नमस्कार अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। स्थानीय तो पहिल चरणक चुनाव अंतर्गत मतगणना जारी। नेपाली कांग्रेस के अग्रता, एमाले दोसर आ माओवादी केन्द्र तेसर स्थान में। दवाई आयात में लगाउने प्रतिबंध, फुकुआ के मांग करे दवाई आयातकर्ता सब। मुंह में कारी पट्टी बांध, औषधि व्यवस्था विभाग में दिलक धरना। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल बीच पार्टी एकता। सार्वजनिक सवारी साधन में छूट आ सीट आरक्षण संबंधी व्यवस्था कार्यान्वयन में लाभ, अपांगता फिर व्यक्ति सबक मांग। आ रियल मैड्रिड आ बार्सिलोना के उपाधि होल्ड रोमांचक, रियल मैड्रिड की शानदार जीत। आप समाचार विस्तार से। स्थानीय तो पहिल चरणक चुनाव अंतर्गत मतगणना जारी है। बैसाख 31 गते संपन्न प्रथम चरणक चुनावक अंतिम परिणाम सेहो आब लागल है। तो इस स्थानीय तहक नतीजा देखला से कांग्रेस पहिल आ एमाले दोसर स्थान में विजेता बनल है। तो इस स्थानीय तह मध्य नेपाली कांग्रेस 9 स्थान में जीत हासिल केने अछि, तो एमाले 8 स्थान में जीतने अछि। तहिना माओवादी अखन धरि 7 स्थान में जीतने अछि। स्वतंत्र उम्मीदवार एकटा स्थानीय तहक अध्यक्ष में जीतने अछि। मतगणना एकदमे अबेर से शुरू भेल बादो मंगलक भोरे से विभिन्न नगरपालिका आ गामपालिका के परिणाम आब के क्रम शुरू भेल अछि। मंगलक भोरे 11:30 बजे धरक नतीजा अनुसार देश भरक 23 स्थानीय तह में मतगणना समाप्त भेल अछि। पहिल चरणक चुनाव अंतर्गत रवि दिन 3 प्रदेशक 34 जिला में मतदान भेल छल। रवि दिन 3, 4 आ 6 प्रदेशक 4 महानगरपालिका, 1 उपमहानगरपालिका, 92 नगरपालिका आ 186 गाम पालिका प्रतिनिधि, नगर प्रमुख आ वार्ड अध्यक्ष के 281 आ ओही संख्या में उप प्रमुख व उपाध्यक्ष चयनक लेल मतदान भेल अछि। पहिल चरण में 3 प्रदेश से 13,556 गोटे जनप्रतिनिधि निर्वाचित चुनाल जात। दवाई आयात में लगौने प्रतिबंध, फुकुआ के मांग करत औषधि आयातकर्ता सब। मुंह में कारी पट्टी बांध, औषधि व्यवस्था विभाग में धरना दिलक अछि। नेपाल औषधि आयातकर्ता संघक नेतृत्व में मंगल दिन औषधि व्यवस्था विभागक परिसर में आयातकर्ता व्यवसायी धरना देने अछि। सरकार विभिन्न 35 प्रकारक गुणस्तरीय दवाई के आयात में रोक लगाव के निर्णय केने बाद चरणबद्ध आंदोलन में उतरल आयातकर्ता व्यवसायी निर्णय फिरता के मांग करत धरना में बैसल अछि। सरकार के स्वदेशी दवाई उत्पादककर्ता के प्रलोभन में पड़ सस्ता आ गुणस्तरीय दवाई आयात में रोक लगाव के निर्णय केने आरोप सेहो ओ सब लगौलक अछि। राज्यलाई दुख पर्दाखेरि, राज्य भूकम्प लगायत घटनाक्रम हुँदाखेरि राज्यलाई औषधि आयातकर्ताहरूले विदेशबाट औषधि आयात गरेर जनतालाई सेवा गरेको कुराको हामीलाई सम्मान हुनु त कहाँ हो कहाँ। आज हामीले सस्तो रूपमा गुणस्तरीय औषधि हामी दिन चाहन्छौँ नेपाली जनतालाई भन्दा पनि राज्य सुधारेको छैन। केही नेपाली उत्पादकहरूको प्रलोभनमा परिकन या भने प्रभावमा परिकन सम्बन्धित निकायले, औषधि व्यवस्था विभाग लगायतका मथिल्लो निकायले आयात बन्द गर्ने लगभग 77 प्रडक्ट मलिकुलहरू नेपालमा अब आयात गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको निर्णय अस्ति बैशाख 26 गतिको मन्त्री परिषदकोबाट पास भएको कारणले गर्दा हाम्रो आन्दोलन हो। दवाई आयातकर्ता सब स्वास्थ्य मंत्री गगन थापा मुनाफा के बात उठाकर अपने सबके बदनाम कर चाहने दावी केने अछि। दवाई आयात में प्रतिबंध लगाव के निर्णय तत्काल फिरता नहीं भेल त सब दवाई के आयात ठप्प करबाक चेतावनी सेहो ओ सब देने अछि। नेपाल में वर्षेनी 10 अरब रुपया से बेसी मूल्य के दवाई आयात होइत आयल अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल बीच पार्टी एकता भेल अछि। सोम दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालक पार्टी कार्यालय 3 कुने में आयोजित एक समारोह में 2 पार्टी बीच पार्टी एकता भेल अछि। एकीकरण बाद पार्टी के नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल रहल अछि। आत्मनिर्णय के अधिकार, स्वशासन सहितक जातीय स्वायत्त प्रदेश सभक सुनिश्चित करबाक कार्यभार पूरा करक लेल पार्टी एकता भेल बताओल गेल अछि। सङ्घर्षलाई, मुक्तिकामी जनताको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने, पहिचानको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने, समानुपातिक समावेशिताको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने,
सामाजिक न्याय र मुक्तिको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने र यो समष्टिगत रूपले भन्ने हो भने यो मुलुकको भौगोलिक एकीकरण त भएको हो तर भावनात्मक एकीकरण बाँकी छ। जब सबै सभ्यता र संस्कृतिका समुदायहरू सबै समुदायहरूले जुन बेला अधिकारमा समानता पाउँछन् जुन बेला पहिचान स्थापित हुन्छ र जुन बेला सबैले स्वायत्त र स्वशासनका उपयोग गर्छन् र जुन बेला देशको शासन सत्ता शक्ति निर्माणमा सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यतिखेर वास्तवमा भावनात्मक रूपले यो एकीकरणको कार्य पूरा हुन्छ। नेपाल निर्माण सँगै सुरु भएल जातीय भाषिक संस्कृति दमनक विरुद्ध लिम्बुवान सहितक स्वायत्त राज्य निर्माण करबाक क्रममे बाँकी रहल कार्यभार पूरा कर भेटेटार सम्मेलनक मर्मके आत्मसात करैत पार्टी एकता भेल जनाओल गेल अछि। अपाङ्गता भेल व्यक्ति सब सार्वजनिक सवारी साधनमे छूट आ सीट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमे लाबऽ मांग कयलक अछि। जनकपुरमे सोम दिन स्वयं सहायता समूह केने कार्यक्रममे ओ सब सार्वजनिक सवारी साधनमे 50% छूट आ सीट आरक्षणके व्यवस्था कार्यान्वयन करब मांग केने अछि। ओ सब सवारी साधन अपाङ्गता भेलके छूट देब आनाकानी कऽ रहल सेहो उपरा कयलक अछि। तहिना कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति सब अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणके सेहो मांग केने अछि। एम्हर यातायात व्यवसायी सब अपने सब एन कानून अनुसारे अपाङ्गता भेल व्यक्ति के सुविधा द रहल दावी केने अछि। ओ सब सुविधा देबके सवाल में देखल गेल किछ कमी कमजोरी तत्काल हटाब सेहो आश्वासन देने अछि। ओहि क्रम में सहायक जिला अधिकारी किशोर कुमार चौधरी अपाङ्गता भेल के एन अनुसार सुविधा देब आ सवारी साधन में आरक्षित सीट तो क यातायात व्यवसायी के निर्देशन देलन अछि। कार्यक्रम में धनसा जिला विकास समिति प्रमुख संत बहादुर सोनार ट्रैफिक प्रमुख हरिनंदन चौधरी सहितक सहभागिता रहल छल। जे कुछ प्रभावित व्यक्ति सब के नहीं आप खेल समाचार स्पेनिश ला लिगा फुटबल के उपाधि होड लीग के अंतिम दिस आबि गेला पर थप रोमांचक बनल अछि। लीग अंतर्गत रविक रात भेल खेल में शीर्ष स्थानक बार्सिलोना आ रियल मैड्रिड दुनू प्रभावशाली जीत दर्ता केने बाद उपाधि होड थप रोमांचक बनल अछि। घरेलू मैदान में भेल खेल में रियल मैड्रिड सेविल्ला के 4-1 से हरौलक अछि। रियल के जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 तथा नाचो तथा टोनी क्रॉस 1-1 गोल केलन अछि। रोनाल्डो 23-78 मिनट में क 2 गोल केलन अछि। नाचो 10 तथा क्रॉस 84 मिनट में गोल केने अछि। सेविल्ला के लेल जेवेटिक 49 मिनट में 1 गोल घुरौलक अछि। जीत बाद दोसर स्थान के रियल के लीगक 2 खेल बाकी भेला से 87 अंक भेल अछि। शीर्ष स्थान के बार्सिलोना के लीग के 1 खेल बाकी रहल त 87 अंक भेल अछि। अंतिम मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ स्थानीय तह पहिल चरणक चुनाव अंतर्गत मतगणना जारी। नेपाली कांग्रेस के अग्रता एमाले दोसर आ माओवादी केन्द्र तेसर स्थान में। दवाई आयात में लगौने प्रतिबंध फुकवा के मांग करित दवाई आयातकर्ता सब मुंह में कारी पट्टी बांध औषधि व्यवस्था विभाग में दिलक धरना। संघे समाजवादी फोरम नेपाल आ संघे लिम्बुवान पार्टी नेपाल बीस पार्टी एकता। सार्वजनिक सवारी साधन में छूट आ सीट आरक्षण संबंधी व्यवस्था कार्यान्वयन में लावा अपाङ्गता भेल व्यक्ति सबक मांग। आ रियल मैड्रिड आ बार्सिलोना के उपाधि होट रोमांचक रियल मैड्रिड के शानदार जीत। अपन न्यूज अखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर देखे रहब अपन टीवी। नमस्कार।